विश्व क्रिकेट का वो गेंदबाज जिसकी गेंदों पर छक्का लगाना एक सपने जैसा था। कैरेबियन क्रिकेट का वो खूंखार गेंदबाज जिसकी गेंदबाजी से बल्लेबाज खौफ खाते थे। वो गेंदबाज जिसने कर्टली वॉल्स के साथ मिलकर विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया था। स्टीव वॉ को जान से मारने की धमकी देने वाला गेंदबाज, वो खिलाड़ी जो टीम की जीत की गारंटी बन जाता था। दोस्तों, अगर एक गेंदबाज का खौफ किसी बल्लेबाज पर कहर बनकर टूटे तो क्या होगा, यह जानते हुए कि यह खौफ एक बार नहीं बल्कि कई बार वापस आता है। दोस्तों, यह बात कोई साधारण बात नहीं है। विश्व क्रिकेट में कई ऐसे गेंदबाज हुए हैं जिनकी गेंदों का खौफ विश्व के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर देता था। फिर बात चाहे 80 और 90 के दशक के गेंदबाज डेनिस लिली, एंडी रॉबर्ट्स, जैप थॉम्सन, माइकल होल्डिंग, वाकर यूनिस, वसीम अक्रम, इमरान खान, मैकलम मार्शल हो, या फिर 21वीं सदी के धुरंधर गेंदबाज शोएब अख्तर, ब्रेटली, लसित मलिंगा, मोहम्मद आमिर और डेल स्टेन जैसे गेंदबाज हों, इनकी धारदार और सनसनाती हुई गेंदों के आगे बड़े से बड़े बल्लेबाज खौफ खाते थे। वैसे तो क्रिकेट में एक गेंदबाज को पहले हीन भावना के साथ देखा जाता था, लेकिन इसी 90 के दशक में एक कैरेबियन गेंदबाज ने लोगों की सोच को बदलते हुए नई पीढ़ी को एक सफल गेंदबाज होने का जो करिश्मा दिखाया, जिसे आज कई गेंदबाज उसके काबिलियत से सीखते हैं। दोस्तों, ये वो गेंदबाज था जिसकी रफ्तार ने कई दिग्गजों को चोटिल कर पवेलियन की राह दिखाई। इतना ही नहीं, ये गेंदबाज अपनी टीम की जीत की गारंटी बन जाता था। आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश, और आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं कैरेबियन धरती से निकले एक ऐसे गेंदबाज की जिसकी खौफ भरी गेंदों के आगे सचिन, गैरी कर्स्टन, जावेद मियादाद और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे बड़े बल्लेबाज घुटने टेक देते थे। वो कैरेबियन जाबाज कोई और नहीं, कर्टली एम्ब्रोस है। आज हम अपनी वीडियो में इसी शानदार गेंदबाज की बात करने वाले हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे चोट से उबर इस गेंदबाज ने वापसी की और क्यों कर्टली एम्ब्रोस ने स्टीव वॉ को मैदान पर ही जान से मारने की धमकी दी थी। कर्टली एम्ब्रोस का जन्म 21 सितंबर 1963 को एक कैरेबियन द्वीप एंटीगुआ में हुआ था। दोस्तों, ये वही एंटीगुआ है जिसने वेस्टइंडीज क्रिकेट को सर विवियन रिचर्ड्स, एंडी रॉबर्ट्स और रिची रिचर्डसन जैसे महान खिलाड़ी दिए हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कर्टली एम्ब्रोस के पिता एक कारपेंटर थे और माँ हाउसवाइफ। कर्टली एम्ब्रोस अपने पिता के साथ 17 वर्षों तक बढ़ई का काम किया करते थे। एक सामान्य बच्चों की तरह कर्टली एम्ब्रोस भी बचपन से ही खेलों में रुचि रखते थे, जहाँ वह कई तरह के खेल खेला करते थे, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा वॉलीबॉल खेलने में आता था। एम्ब्रोस कभी कभी स्थानीय टूर्नामेंट में अंपायरिंग भी कर लिया करते थे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एम्ब्रोस की माँ बहुत बड़ी क्रिकेट प्रशंसक थी और वह सर विवियन रिचर्ड्स को अपना आदर्श मानती थी। जब भी उनका मैच आता था वह टीवी पर जरूर देखा करती थी। यही वजह थी कि उन्होंने अपने बेटे एम्ब्रोस को क्रिकेट के लिए जागरूक किया। कर्टली एम्ब्रोस की माँ चाहती थी कि उनका बेटा बड़ा होकर वेस्टइंडीज के लिए क्रिकेट खेले, और अपनी माँ का सम्मान करते हुए कर्टली एम्ब्रोस ने अपने फेवरेट खेल वॉलीबॉल से दूरी बनाकर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, और समय के साथ साथ वह इस खेल में बेहतर होते चले गए। कर्टली एम्ब्रोस जब 20 साल के थे तब इस दौरान उन्हें क्लब क्रिकेट में खेलने का अनुभव भी मिल चुका था। इसी दौरान कर्टली एम्ब्रोस लिवार्ड आइलैंड्स की कोच की नज़र में आ चुके थे, और इस तरह एम्ब्रोस को लिवार्ड आइलैंड की टीम में जगह मिल गई। इसके बाद उन्होंने साल 1986 में गुयाना की तरफ से अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर की शुरुआत की। अपने डेब्यू मैच में ही कर्टली एम्ब्रोस ने खतरनाक गेंदबाजी कर 4 विकेट झटक लिए। हैरानी तब हुई जब इनके पास इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद साल 1986 में कर्टली एम्ब्रोस को स्कॉलरशिप की मदद से इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेलने के लिए मौका मिला। यहाँ कर्टली एम्ब्रोस लिवरपूल क्रिकेट लीग और सेंट्रल लंकाशायर लीग की तरफ से खेले। इस पूरे सीजन में कर्टली एम्ब्रोस का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां उन्होंने पूरे सीजन में 84 विकेट अपने नाम किए और दोबारा इसी लिवरपूल टीम में खेलने के लिए जगह बना ली। यहां से खेलने का मतलब था कि उनकी बॉलिंग और तकनीक में भी काफ़ी पहनापन आना। इंग्लैंड से लौटने के बाद कर्टली एम्ब्रोस को साल 1987 में रेड स्टेट कप खेलने वाली लिवार्ड आइलैंड टीम में शामिल कर लिया गया। शुरुआत में उन्होंने अपनी टीम को निराश किया, लेकिन बचे हुए मैचों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज़्यादा 35 विकेट लिए, और इसके साथ ही एम्ब्रोस ने नेशनल टीम में आने के लिए दरवाज़ा भी खटखटा दिया था। घरेलू क्रिकेट में कर्टली एम्ब्रोस जिस तरह से गेंदबाजी और प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत घातक साबित होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कर्टली एम्ब्रोस कहर बरपा रहे थे। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए बहुत जल्द उन्हें वेस्टइंडीज की नेशनल टीम में जगह मिल गई, और इस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 12 मार्च 1988 को अपना वनडे डेब्यू किया। अपने डेब्यू मैच में एम्ब्रोस ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए पाकिस्तान की 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी।
इसके साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दे दिया था कि आने वाले समय में बल्लेबाजों के लिए वह और कितने खतरनाक साबित होंगे। यह बल्लेबाजों के लिए खतरे की घंटी थी। इसी दौरे में पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में भी खेलना था और बल्लेबाजों के लिए और कुछ ऐसा ही हुआ। कर्टली एम्ब्रोस के ओडीआई क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें टेस्ट टीम में जगह मिल गई और 2 अप्रैल 1988 को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भी पदार्पण किया। वनडे की तरह टेस्ट डेब्यू उनका कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने डेब्यू मैच में सिर्फ 2 ही विकेट चटकाए, जिसका नतीजा यह रहा कि पाकिस्तान यह टेस्ट 9 विकेट से जीत गया। लेकिन वेस्टइंडीज के इस गेंदबाज ने सभी को अपनी गेंदबाजी से आश्चर्यचकित करके रख दिया था और यह नतीजा रहा कि 5 टेस्ट मैच के सीरीज के लिए इंग्लैंड दौरे पर गए वेस्टइंडीज टीम में उन्हें शामिल किया गया। इस सीरीज में एम्ब्रोस पूरी तरह से लय में नजर आए और उन्हें पूरी सीरीज में 22 विकेट झटक कर सीरीज वेस्टइंडीज के नाम करवा दी। यहाँ से एम्ब्रोस अब वेस्टइंडीज टीम की नियमित खिलाड़ी बन चुके थे। कर्टली एम्ब्रोस के ये अच्छे प्रदर्शन का ही नतीजा था कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी ले जाया गया और उन्होंने यहाँ भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखा। एम्ब्रोस ने अपनी घातक गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों के पैर उखाड़ कर रख दिए थे और सीरीज में कुल 22 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, जिसके बाद वेस्टइंडीज यह सीरीज 3-1 से जीत गया। कर्टली एम्ब्रोस के खेल को देखते हुए उनकी तुलना वेस्टइंडीज के महान प्लेयर जोएल गार्नर से होने लगी। दोस्तों, ये वही जोएल गार्नर थे जिनके संन्यास के बाद ही कर्टली एम्ब्रोस को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया था। दोस्तों, विश्व क्रिकेट का कोई भी क्रिकेटर हो, जब वह खराब फॉर्म पर होता है तो अपने खेल में निखार लाने के लिए काउंटी क्रिकेट खेलता ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्टली एम्ब्रोस कभी खराब फॉर्म के दौर से गुजरे ही नहीं। इसके बावजूद वह काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए गए और उन्होंने नॉटिंघम शायर की तरफ से काउंटी क्रिकेट खेली थी। दोस्तों, उस समय काउंटी क्रिकेट खेलना इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से भी बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। साल 1990 में वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड दौरे पर गई, जहां अंग्रेजी बल्लेबाजों को एम्ब्रोस के सामने एक बार फिर सामना करना पड़ा और वह पूरी तरह से बेबस नजर आए। सीरीज का यह एक टेस्ट मैच ब्रिजटाउन में खेला गया था। इस मैच में कर्टली एम्ब्रोस का वो कहर आया कि इंग्लिश बल्लेबाजों ने उनके सामने घुटने टेक दिए। एम्ब्रोस ने इस टेस्ट में 48 रन देकर 8 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था और इंग्लिश बल्लेबाजों के बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस कर दिया। इसी साल कर्टली एम्ब्रोस एक और उपलब्धि हासिल कर चुके थे और वह ओडीआई रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज हुए। देखते देखते उन्होंने साल 1991 में भी ICC की टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया और इस बीच कर्टली एम्ब्रोस का साथ दे रहे थे टीम के एक और घातक गेंदबाज कर्टली वॉल्स। इन दोनों की जुगलबंदी ने 3 से 4 सालों में वेस्टइंडीज क्रिकेट की गेंदबाजी लाइनअप को वह धार और पैनापन दिया था कि विश्व के बड़े से बड़े बल्लेबाज उनके सामने नतमस्तक हो रहे थे। कहते हैं ना, इन दोनों की जोड़ी वेस्टइंडीज क्रिकेट की गेंदबाजी लाइनअप की अंतिम जोड़ी मानी जाती है। एक तरफ कर्टली वॉल्स, जहां अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, तो वहीं कर्टली एम्ब्रोस अपनी सटीक बाउंसर से बल्लेबाजों को छका रहे थे। इसके बाद साल 1992 का वर्ल्ड कप आया, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कर रहे थे और इस वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। यह अलग बात है कि साल 1975 और 1979 के बाद वेस्टइंडीज कोई भी विश्व कप नहीं जीता था। इसके बावजूद उसका प्रदर्शन सभी विश्व कप में शानदार रहा था। दोस्तों, कर्टली एम्ब्रोस का यह पहला विश्व कप था और पूरी वेस्टइंडीज की टीम को उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। एम्ब्रोस ने पूरे विश्व कप में गेंदबाजी तो बहुत किफ़ायती की और अच्छी की, लेकिन वह सिर्फ 7 विकेट ही झटक पाए थे और इसका नतीजा यह रहा कि वेस्टइंडीज की टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई। कर्टली एम्ब्रोस का इस विश्व कप में बहुत ही साधारण प्रदर्शन था। वह अपनी टीम को प्रभावित नहीं कर पाए और ना ही उम्मीदों पर खरे उतर सके, जिसकी वजह से क्रिकेट पंडितों ने उनके करियर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे। यहाँ तक यह भी कहा गया कि उनका करियर अब दम तोड़ रहा है। वो कहते हैं ना, खिलाड़ी तभी बड़ा बनता है जब अपना 100% अपने खेल से दे, और कर्टली एम्ब्रोस जैसा योद्धा कुछ बड़ा करने वाला था। विश्व कप के बाद इसी साल 1992 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई वेस्टइंडीज टीम के लिए एम्ब्रोस बेहद ही किफ़ायती खिलाड़ी साबित हुए। एम्ब्रोस ने इस पूरी सीरीज में 33 विकेट झटक कर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया था। सीरीज का एक मैच पर्थ के मैदान में खेला जाना था। गाबा के इस मैदान पर उछाल भरी पिच में कर्टली एम्ब्रोस का वह तूफान देखने को मिला जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। यह टेस्ट में कर्टली एम्ब्रोस ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनकी चर्चा आज भी विश्व क्रिकेट में होती है। दरअसल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 85 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया ठीक ठाक दिख रहा था। कुछ देर बाद कप्तान ने कर्टली एम्ब्रोस को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया। एम्ब्रोस की घातक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियाई टीम के बड़े से बड़े दिग्गज बल्लेबाज बेबस नजर आए और नतीजा यह रहा कि सिर्फ 119 रनों पर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम सिमट गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्टली एम्ब्रोस ने इस टेस्ट में जो किया था वह विश्व क्रिकेट में आज भी इतिहास है।
इस टेस्ट की पहली पारी में महज एक रन खर्च कर 7 विकेट लिए थे, जो अपने आप में एक अद्भुत कारनामा है। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत वेस्टइंडीज यह सीरीज एक पारी और 125 रनों से जीत गया। इसके साथ ही सीरीज भी उसने अपने नाम कर ली। इसी साल क्रिकेट की बाइबल कहे जाने वाली विजडन पत्रिका ने उन्हें अपनी मैगजीन में जगह दी और साथ ही उन्हें पुरस्कार से भी नवाजा। कर्टली एम्ब्रोस विश्व के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए एक अबूझ पहेली बने रहे, जिसका तोड़ शायद ही किसी बल्लेबाज के पास होता था। उनकी धारदार गेंदबाजी के आगे विपक्षी कप्तान कई दिन पहले रणनीति बनाते और कर्टली एम्ब्रोस उनकी रणनीतियों पर पानी फेर देते। यही वजह थी कि साल 1994 तक आते आते कर्टली एम्ब्रोस विश्व के नंबर 1 गेंदबाज की सूची में शुमार हो चुके थे। इस दौरान वह ओडीआई रैंकिंग पर 3 बार और टेस्ट रैंकिंग पर 2 बार लगातार पहले स्थान पर पहुंचे थे। इस दौरान कर्टली एम्ब्रोस एक सीरीज पहले अभ्यास के दौरान उनके शोल्डर पर चोट लग गई, जिसकी वजह से उन्हें कई सीरीज में खेलने का अवसर नहीं मिला। लेकिन साल 1996 के वर्ल्ड कप में कर्टली एम्ब्रोस एक बार फिर से टीम में वापसी करते हुए नजर आए। इस विश्व कप में एम्ब्रोस को मिला साथ कर्टली वॉल्स का, जिनकी जुगलबंदी ने पूरे विश्व कप में तहलका मचा दिया। दोनों की घातक गेंदबाजी का नतीजा यह रहा कि वेस्टइंडीज की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। कर्टली एम्ब्रोस का इस विश्व कप में इतना शानदार प्रदर्शन था कि उन्होंने 6 मैचों में 10 विकेट लिए थे। वह इस विश्व कप के सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज थे, जिन्होंने बहुत कम रन खर्च किए थे। साल 1999 का वर्ल्ड कप कर्टली एम्ब्रोस का आखिरी वर्ल्ड कप साबित हुआ। यह विश्व कप वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए काफ़ी निराशाजनक भी था, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम ग्रुप स्टेज से ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस दौरे में कर्टली एम्ब्रोस के साथ उनकी इंजरी भी साथ चल रही थी। इस इंजरी ने उनको इतना परेशान कर दिया था कि वो टीम से लगातार अंदर बाहर होते रहे और उनकी गेंदबाजी की धार भी कम होती चली गई। कर्टली एम्ब्रोस के टीम में ना रहने पर वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने उनका विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। उसके बावजूद 2 साल बाद साल 2000 में इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम में उन्हें फिर से जगह मिली। यह सीरीज महान खिलाड़ी कर्टली एम्ब्रोस की आखिरी सीरीज थी। एम्ब्रोस 31 अगस्त 2000 को अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने मैदान पर उतरे थे और टेस्ट सीरीज समाप्ति के बाद कर्टली एम्ब्रोस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी और इसके साथ ही इस कैरेबियन गेंदबाज के खौफ का अंत हो गया। दोस्तों, एक किस्से का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल साल 1995 में ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने गई थी। पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेले जा रहे 3रे टेस्ट में वेस्टइंडीज के कर्टली एम्ब्रोस और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ आपस में भिड़ गए। मैच के बीच में एम्ब्रोस ने स्टीव वॉ को कुछ अपशब्द कहे, जिसके बाद स्टीव वॉ ने जवाब दिया। मामला इतना बढ़ गया कि कर्टली एम्ब्रोस ने स्टीव वॉ को जान से मारने की धमकी दे डाली, हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। दोस्तों, नज़र डालते हैं कर्टली एम्ब्रोस के क्रिकेट करियर पर। कर्टली एम्ब्रोस ने वेस्टइंडीज टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 96 टेस्ट मैचों में 20 की औसत से 405 विकेट अपने नाम किए हैं, जिसमें 22 दफ़ा 5 विकेट हॉल और 3 दफ़ा 10 विकेट हॉल शामिल है। वहीं बल्लेबाजी में 1439 रन भी बनाए हैं। एम्ब्रोस का ओडीआई करियर देखें तो 176 मैचों में 24 की औसत से 225 विकेट लिए हैं, वहीं बल्लेबाजी में 639 रन भी बनाए हैं। इसके अलावा एम्ब्रोस के घरेलू क्रिकेट करियर पर नज़र डालें तो 239 प्रथम श्रेणी मैचों में 941 विकेट और 3448 रन। वहीं लिस्ट ए के 329 मैचों में 401 विकेट और 1228 रन। दोस्तों, कर्टली एम्ब्रोस जैसे महान कैरेबियन गेंदबाज, जिसने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से न जाने कितने बल्लेबाजों को अपने आगे टिकने नहीं दिया, उस महान गेंदबाज को चकते क्रिकेट सलाम करता है। दोस्तों, आपको कर्टली एम्ब्रोस का क्रिकेट करियर कैसा लगा, आप हमें अपनी राइव वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।